समोसा दिल्ली में खाई थे उसमें आलू ना डालिए क्या कसम है समोसा का रेट आदमी लंबा काम कराएगा रेट खाली सही कर दीजिएगा आपको बहुत काम है सुनवाई नहीं है आपकी उम्र लगभग 30 ईयर्स तक अगर है तब तो आप गवर्नमेंट के लिए बहुत फिट है उसके बाद नौकरी सीमित होती है मतलब बहुत सा वैकेंसी में भर नहीं सकते हैं फिर आएगा JPSC का नौकरी फिर आएगा टीचर का नौकरी और अब ऐसा है कि देखिए BEd करिए DLED कीजिए वो सब करने में भी 2 लाख रुपए का स्पेस खर्चा है आजकल फिर इंतजार कीजिए फिर सरकार परीक्षा लेगी हाईकोर्ट में मैटर चला जाएगा तो ये सारी चीज़ को समझते हुए जिसकी भी उम्र कम रहती है उनको पहले टारगेट रखना है 25 वर्ष तक में सरकारी नौकरी में चलना है हम आपको बेसिक चार्ट से समझा देंगे कि किस किस नौकरी में आप लोग जा सकते हैं आपके पास भी जो भी क्वेरीज हो आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तो आप पूछिएगा मतलब IAS बनना है या बैंकिंग में जाना है SSC में जाना है रेलवे में जाना है टीचर परीक्षा में जाना है तो कैसे उसमें जाएंगे और जो लोग यहाँ इस पर्पज़ से आगे जॉब करेंगे तो उनको एक पूरी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप किसी से बात कीजिएगा तो वहाँ तो ज़रूरी इसी चीज़ का होगा एकेडमिक तो आपको पहले जानना है कि जो एग्ज़ाम होता है आप अगर कॉपी लाए होंगे आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं एक एग्ज़ाम लेने वाली संस्था होती है UPSC और कोई दूसरा कलर का है और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है बिकॉज मार्कर ब्लैक कर देखा ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं नौकरी जाइए करिएगा तो ये दो संस्था आपके पास मेन है जो परीक्षा लेगा लेकिन जब किसी भी राज्य में एग्जाम लिखेंगे जो झारखंड में तो यहाँ जब UPSC बोल रहे हैं झारखंड में इसी को बोलेंगे JPSC और ये जो SSC है झारखंड में इसको बोलेंगे JSSC ये JSSC ये एग्जाम लेने वाली संस्था है इस एग्जाम से जब आप UPSC एग्जाम में आजकल कोई भी परीक्षा लिखिए ना छोटा से छोटा परीक्षा सबसे छोटा परीक्षा क्या है ग्रुप डी को आप प्यून समझ सकें तो उस परीक्षा में भी अब एक PT और एक मेंस होता है मतलब ये स्थिति है देश चपरासी का परीक्षा में भी क्या हो रहा है PT और मेंस हो रहा है एक प्रिलिमिनरी टेस्ट हो रहा है और एक मेंस हो रहा है तो आप इसके ऊपर कुछ बनना चाहते हैं आप बनना चाहते हैं IAS ऑफिसर DSP BDO IAS ऑफिसर तो यहाँ से बनिएगा लेकिन जब आप DSP बनिएगा तो यहाँ से बनिएगा आप BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ से बनेंगे JPSC से लेकिन आप डिप्टी कमिश्नर SP SDO सारा जो किसी भी विभाग का जो बॉस होता है वो बनेगा UPSC से ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किसी भी विभाग में जो इंस्पेक्टर होता है जैसे आप सुने होंगे सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट GST जरूर जानते होंगे तो GST में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कहाँ से सिलेक्शन होके आए हैं SSC से इंस्पेक्टर लोग और लेकिन इनका जो बॉस है कमिश्नर वो कहाँ से आएगा वो UPSC से आएगा ये दोनों में अंतर है कि डायरेक्ट आप यहाँ नियुक्ति होंगे बॉस में यहाँ पर आप नीचे वाले से जैसे झारखंड में दरोगा का मालिक है तो दरोगा के लिए JSSC झारखंड में सचिवालय में जाना है JSSC अभी जैसे टीचर वाली परीक्षा हो रही है JSSC लगी लेकिन वही BDO बनना है DSP बनना है प्रोफेसर बनना है तो JPSC ये दो संस्था मेरे जो परीक्षा ले रही है अब जो भी एग्जाम आप लिखते हैं जैसा आपको बताया कि PT और मेंस है तो एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ध्यान देना है कि कम से कम आप घर में पढ़िए किसी कोचिंग में पढ़िए लेकिन एक साल का आपको टाइम पढ़ने एक साल जब आप रेगुलर पढ़ाई कीजिएगा तो आपका ज़्यादा फायदा होगा और क्वालिफाई भी जल्दी कर सकते सबसे पहला काम किया जाता है पढ़ाई करने में कि आप एक अपना एक रूटीन चार्ट एक डिटर्मिनेशन कि हमको ये करना है जैसे उदाहरण के लिए सारे लोग आज
जब आप 31 दिसंबर के रात 12 बजता है तो देखिएगा सारे लोग, 1 जनवरी जैसे शुरू होता है तो हर व्यक्ति भारत का एक कसम खाता है रात को 12 बजे नया साल में हम ऐसा करें। सारे लोग सोचते हैं ये नहीं करेंगे, इस बार कुछ अच्छा करेंगे, नौकरी करेंगे, सारा कुछ अच्छा करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे, नहीं घूमेंगे। लेकिन धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन के बाद आप भूल जाते हैं कि कसम क्या है। और आज अगर किसी से पूछिए कि आप 31 दिसंबर को क्या सोचे थे तो अभी किसी को याद नहीं। फिर अगला कसम कब खाइएगा? 31 दिसंबर जब होगा तब खाइएगा, उस समय में खाइए। तो आपको जब आप परीक्षा में लिखने जाते हैं ना, हमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप पार्टिसिपेंट का परीक्षा लिखे तो परीक्षा हॉल में जब बच्चा बैठता है सारे लोग वहां भी कसम खाते हैं इस बार मेरा जो परीक्षा खराब जा रहा जाने अगले बार तहलका मचा देंगे, टॉप करेंगे यूनिवर्सिटी, एक मन में ले करके और जाता है। 2-3 दिन को बच्चा सीरियस में रहता, आप भी रहते हो कि आप ज्यादा मोबाइल में फेसबुक की बात नहीं करना, पढ़ना। लेकिन जैसे ही 4-5-10 दिन बीत जाता है तो फिर आप जैसे थे वैसे हो जाते हैं। फिर अगला कसम खाएंगे, फिर अगला परीक्षा का एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम हॉल में बैठ जाएंगे, तब फिर मन में तो कसम खाएंगे। लेकिन जो पास कर रहा हो तुम करता है, आप जो कसम खाते हो लिखिए। जब कसम को लिखिए इतना तारीख को हमने कसम खाते हैं। और हमने क्या बनना है, हमको बनना है आईएएस ऑफिसर। तो यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग का, हमने अपना एक नेट से फोटो निकाला मसूरी, हमको एक दिन यहाँ जाना है। एसपी का और डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी का फोटो खींच के रखेंगे और ये सोचना है कि हमको भी ऐसा बनना है कि हम भी लाल बत्ती की गाड़ी में जाएंगे, बॉडीगार्ड होगा, लोग सेलेक्ट करेगा और अपने कमरे पर टेबल पे लगा देंगे। और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे एक मित्र एसपी हैं, उनको हमने बोला कि आप विलेज आइए, सिक्योरिटी के कार्यक्रम में आइए। तो बोले सर कार्यक्रम में जाके हम क्या बताएंगे? तो बोले हम नहीं ना बोलेंगे, लड़का लोग से बोले पूछिए, किसी से भी पूछिए कि क्वालिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबको ही बोलेगा मन लगा के पढ़ना चाहिए, फेसबुक से दूर रहना चाहिए, व्हाट्सएप से दूर रहना चाहिए। तो बोला उन लोग तो जानते ही हैं, हमको बोल के क्या फायदा है। जब तक आपको अपने मन के अंदर ये सोच रही है कि हम, हमारे पिताजी हमको बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे और हमको पैसा दे करके भेजे हैं, हम इसको यूटिलाइज करें और 1 साल में हम जी जान से लेकर नौकरी नहीं लग रही तो सोचना है कि हमारी कमजोरी का कुछ तो कमजोरी होगा। सारा सेट तो नहीं बिकता है ना भारत में, सेटिंग होता है तो ऐसा है क्या 100 में 100 हो गया, 20 लेगा, 30 लेगा, 40 लेगा, 50 लेगा, 80 लेगा, लेगा मेरिट को, एक भी लेगा तो मेहनत किए तुम्हारा होगा सिलेक्शन। और जब गवर्नमेंट नौकरी में चल जाइएगा तो आपकी सारे की जो टेंशन है, नहीं तो होता क्या है कि जब आपकी उम्र कम होती है उस समय लोगों को गाइड करने वाला आदमी नहीं आपको, और जब आपका उम्र ज्यादा हो जाता है, जैसे आपका एज हो जाएगा ना 30 साल 32 साल, उस समय आप अब किसी को बताइए, समझाइए जाके घर में, आप मोहल्ला में किसी को बोलिएगा अच्छा जी कि देखो बाबू घूमना नहीं चाहिए थे, तो क्या बोलेगा, ये भैया दीदी लोग अपने तो कुछ जिंदगी में किया नहीं, हमको सिखा। आपको ये चोट लगा 30 साल, अब आप किसी को अच्छा चीज बताना चाह रहे हो सुनने के लिए, वो बोलेगा ये अपने कुछ नहीं, ये अपने करता तब ना हमको बताता। तो आप अगर मैट्रिक पास करके भी नौकरी में चले जाए, गांव में, परिवार में, सोसाइटी में आपकी इज्जत होगी, लोग बोलेगा कि वो लड़का बहुत तेज है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ठीक करना है अपना जनरल नॉलेज, जी सारे परीक्षा का इंपोर्टेंट होता है, चाहे आप कोई एग्जाम लिखिए भारत का। और जीके बदलता नहीं, जीके बदलने वाला चीज नहीं। जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है, तो लिखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम और करेंट इवेंट।
ये जीके है और सारे लोगों को ये जीके को जानना है, कॉमन जीके। और आप इसके करेंट इवेंट का मतलब क्या हुआ कि आप कोई चीज अगर सुन रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानना। मान लीजिए कि आपने सुना कि महात्मा गांधी की याद में स्वच्छता भारत मिशन चल रहा है, पूरे भारत को स्वच्छ करना है, तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, गांधी जी की रोल क्या थी भारत में, गांधी जी का सत्याग्रह क्या था, इन चीजों को फोकस करें। आप सुन रहे हैं कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, झारखंड इसके पहले कब लगा था, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा, मुख्यमंत्री के काम क्या है। देखिए आप जब जो सुनिएगा उसको सोचिएगा तो पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, लेकिन एक बार पढ़ना पड़ेगा और रोज उसको आप सोचिएगा जितनी घटना घटती है। मोदी जी ओसाका गए तो ओसाका कहाँ है, जापान में। जापान का पूरे वर्ल्ड में क्या रोल है, G20 हुआ तो G20 से भारत को क्या लगा, G20 क्या है। जब आप ये सोचने लगिएगा तो क्या हुआ, आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और आप कंप्लीट रूप से तैयार होना शुरू होगा। तो पहला है जी, और किसी भी राज्य की जब परीक्षा लिख रहे हैं, जैसे आप परीक्षा लिख रहे हैं अगर झारखंड में JPSC या JSS, तो आपको हर चीज में झारखंड के बारे जानना है। अब झारखंड के बारे क्या जानेंगे, झारखंड में कितना डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ के संविधान में किस किस भाषा को अपनाया गया है, जो भारत का संविधान है, झारखंड के विधानसभा में कितने मेंबर हैं, कौन नॉमिनेटेड मेंबर आया है, यहाँ की कल्चर क्या है, अलग अलग जनजातियों में कैसी व्यवस्था, जो जनजाति लुप्त होने वाले हैं उसके लिए कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई, तो कहाँ तक पहुँचा है, झारखंड के बारे जानना है। यहाँ की एग्रीकल्चर, यहाँ की समस्याएं, यहाँ का बारिश सिस्टम, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हर चीज में पूरेगा। इसी प्रकार से BPSC का परीक्षा लिखने जाइएगा, बिहार के बारे में ये ऑब्वियस चीज है कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के बारे में आपको जानना होगा। अब जैसे अभी हम रांची में हैं तो रांची के बारे बेसिक चीज तो कोई भी जानेगा ना, यहाँ पर अल्बर्ट डेका चौक है और ये विमेंस कॉलेज के सामने हमारा जो ऑफिस है यहाँ पर, ये कौन सा लालपुर हरिओम टावर पे, तो यहाँ के और भी दो चार लोकेशन आपको रांची के जो लोग हैं बताइए, यहाँ का फेमस क्या है रांची, न्यूक्लियस मॉल, लालपुर चौक है, उसके बाद मोनावादी पहाड़ी मंदिर, हाजी हाजी तो ये देखिए जो फेमस चीज़ है यहाँ की, बैठिए, तो जो फेमस चीज़ है वो आपको कहीं का, अब आप तो दिल्ली में रहेंगे तो एक आदमी आशा करता है कि आप उसके बारे में जानते हो, तो झारखंड में जब नौकरी करने आप जा रहे हैं तो झारखंड के बारे आप नहीं जानिएगा तो रिडिकुलस हो गया कि जिस राज्य में रहते हो उसके बारे कुछ नहीं जानते। तो इतना तो जानना जरूरी है कि कब पहला राज्य, पहला मुख्यमंत्री कौन थे, पहला राज्यपाल कौन थे, यहाँ के पहले हाईकोर्ट के अध्यक्ष कौन, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, कितना हाईकोर्ट में हमारे जस्टिस हैं, ये चीज़ को जानना पड़ेगा आपको। इसके बाद जब आप हायर लेवल की तैयारी करें, जैसे अगर आपने टारगेट, भले आपका टारगेट किसी का है कि हम टेट परीक्षा पास करें, किसी का टारगेट है कि हमको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा पास करें, बट जब आप कंपटीशन में जाइएगा तो सारे बच्चे उसमें बैठे, जैसे आज के डेट में जितने जो हमने बताया था ग्रुप डी, रेलवे का ग्रुप डी मतलब चपरासी हो गया, और उसमें जब फॉर्म फिलअप होता है तो 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, 1.5 करोड़, इस 1.5 करोड़ में 50 लाख बच्चा बीटेक होता है, तो क्या आप उसको परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं, परीक्षा में तो भी गए। अभी झारखंड में पोस्ट ऑफिस की बहाली निकली है डाकिया पोस्टमैन, अब उसमें 10,000 सैलरी है, 8वां से 10वां क्लास मांगा है, लेकिन फॉर्म भरने वाला MSC है। तो आज स्थिति ऐसा है कि पानी पिलाने वाला जब हमको MSC मिल जा रहा है हम 8वां क्लास में पहले रखेंगे, इसलिए आपको तैयारी कर, भले आप जूनियर चीज में जाना चाहते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड में जाएंगे, दरोगा में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, एक्साइज में जाएंगे,
लेकिन आपको अपना टारगेट रखना है कि हमको अगर नौकरी में जाना है तो टारगेट क्या होना चाहिए, तो आपको सोचना है कि हमको हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए। ये आप अपने आप को डिप्टी कमिश्नर और एसपी, इनकम टैक्स कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर, आप इसके लिए सोच पूछा। जब इसके लिए सोचिएगा तो मेहनत वैसे कीजिएगा, बात समझे? जब आप इसके लिए सोचिएगा तो आपकी मेहनत वैसी ही होगी, और जब मेहनत आप ज्यादा करेंगे तो इसका लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। और आप जब इसका तैयारी किए और आप जेपीएससी का परीक्षा लिखे, आप जेएसएससी का परीक्षा लिखे, दरोगा का लिख रहे, आपको तो नॉलेज ज्यादा ना है, तो जो आदमी दरोगा के लिए पढ़ रहा हो तो हल्का हल्का पढ़ रहा है सारा लोग, बात समझे? और जो लोग मान लीजिए कि पढ़ाई किया हायर लेवल का, जो हायर लेवल का पढ़ रहा है उसकी तैयारी हायर की है, तो सिलेक्शन जब परीक्षा होगा तो सिलेक्शन किसका होगा? तो उसका ज्यादा अच्छा है। इसलिए कभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो फॉर्म भरे सिपाही, अब वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एक लाइन वाला पढ़ रहा है, एसएससी तो छोटा छोटा पढ़ रहा है, बैंकिंग। लेकिन आप जब ऊपर लेवल का पढ़ाई कीजिएगा तो नीचे लेवल का आपका सिलेक्शन होगा 100%। साथ ही साथ कोई भी परीक्षा के लिए आपको वक्त देना, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है, जैसे एक साल का अगर मान लीजिए कि आप तैयारी करते तो आप दूसरे परीक्षा में चले जाएंगे, लेकिन आप एक महीना के लिए तैयारी शुरू की। इसको ऐसे समझिए, आप लोग सारे लोग कभी ना कभी शादी के पार्टी में जाते होंगे, जाते होंगे शादी में जाते हैं जब, तो वहां पर खाना खाने में रोक लगा है कि आप चार से ज्यादा पूरी मत लीजिए, ऐसा लोग है? आप लोग ऐसा कोई है जो वहां जाने के बाद में 800-900 पूरी एक साथ खा लेते हैं, एक ड्राम चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, पूरा पुलाव अकेले खा जाएंगे और आज के बाद खाना नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं ना? वहां तो कोई रोका नहीं, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि एक ही बार में जाकर पूरा खाना खा लीजिए, कल से हेडेक खत्म हो गया। आप क्यों नहीं खा रहे भाई? आपको तो दिया गया खाने, लेकिन आप लिमिट क्यों खाए? बोलिए, अच्छा जितना आपको लग रहा है डाइजेस्ट हो रहा है उतने खा। पढ़ाई में क्या हो रहा है कि जब स्टूडेंट का परीक्षा रहता है, यही गड़बड़ी वहां होता है, जब परीक्षा होता है स्टूडेंट का, वो क्या करता है कि रात भर झगड़ा शुरू करता है, 15 दिन कितना मोटा मोटा किताब खरीद लिया, मैगजीन खरीद लिया, अब वो रात भर पूरा पढ़ रहा है, वो क्या वही डाइजेस्टिंग, जैसे वोमिटिंग हो जाता है ज्यादा खाने से, वो आप पूरा पढ़े और पूरा चीज देखे आपको कुछ याद नहीं। आप एक साथ 15 फिल्म दे दीजिए एक साथ लगातार घर में, अरे तुम सोना नहीं है, दवाई खा के जगे रहे, आप 15 पिक्चर देख लीजिए, देखिएगा अगला दिन ये भी भूल जाइएगा फिल्म का नाम क्या। लेकिन जब आप एक ही मूवी को 10 बार देखते हैं तो 16 पिक्चर का डायलॉग गब्बर सिंह का पहले आप ही बोल दीजिएगा, क्योंकि आपको बता दिया। तो जब आप बुक में एक ही चीज को 10 बार पढ़िएगा, ये कब होगा? जब आप किताब को टाइम दीजिएगा। लेकिन जब आप सोचिएगा नहीं, हम 15 दिन में पूरा पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। और बुक पढ़े लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना, नेट पढ़ से पढ़ते हैं, गूगल पर, तो गूगल को ना सब याद है, आपको याद थोड़े है। जैसे आपसे अगर पूछेंगे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, आप गूगल पर खोजिएगा, तो आपको फायदा क्या? गूगल ने आंसर दे दिया कि इसको बोला था सुभाष चंद्र घोष ने, आपने सुभाष चंद्र घोष रख लिया। लेकिन किताब में पढ़ते तो आप 10 चीज और जानते, ये बेनिफिट होगा। बुक पढ़ने का हैबिट बनाना, और बुक में कहां से शुरू करना है? एनसीईआरटी से। जब आप एनसीईआरटी क्लास 6 से ले लीजिए, आपके घर में जो बच्चा होगा मोहल्ला में होगा उसका किताब ले लीजिए सोशल साइंस, और एनसीईआरटी से जब पढ़ना शुरू कीजिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। एनसीईआरटी से अच्छा कुछ किताब नहीं है इंडिया में, कोई मैगजीन किताब नहीं, एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे, लाइन बाय लाइन अच्छा से पढ़ेंगे, और जिस परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस को टारगेट किए हो, चाहे वो जेपीएससी को किए हो, एसएससी को किए हो, उसका एक क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। आजकल तो नेट में सारा कुछ मिलता है, एक क्वेश्चन बैंक लीजिए,
तो आपको बेनिफिट हो गया दोनों चीज का, एक तो कि आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं बेसिक से शुरुआत की, क्वेश्चन बैंक आपको मिल गया, अब ये फायदा होगा कि आप उस पटन पर उस रास्ते पर सही तैयारी कीजिए। नहीं तो क्या होता है पढ़ते पढ़ते लोग ना गलत डायरेक्शन में पढ़ना शुरू, आपको तो नहीं पता ना, जैसे आप लोग न्यूज पेपर पढ़ते हैं ना, कभी कब पढ़ते हैं, आजकल तो लोग नेट में पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर में 18 पढ़ना होता है। तो कोई भी ऐसे है जो पहला पढ़ना से शुरू करते हैं और एक एक लाइन पूरा पढ़ते पढ़ते 18 पढ़ना पूरा पढ़ते हैं, ऐसा कोई है? आप न्यूज पेपर में क्या पढ़ रहे हैं, आपका काम का जोर है। कोई आदमी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फिल्मी दुनिया, किसी को पॉलिटिकल न्यूज, किसी को एडवर्टाइजमेंट, किसी को खाना खा जाना, आप सीधा वही पन्ना पलटते हैं। आप देखते हैं कि रांची पन्ना में क्या छपा, आपको अभी मतलब नहीं कि फलांगू में क्या छपा, गढ़वा में क्या हुआ, हजारीबाग में क्या हुआ। अब इसमें से जो बच्चे हजारीबाग से बैठे होंगे, ये कोई गढ़वा के हैं ना, कौन है गढ़वा के, आप गढ़वा के, तो कोई गढ़वा से ये यहाँ पर भी है तो ये एक बार देखेंगे, गढ़वा पन्ना भी देखेंगे। लेकिन इनको क्या मतलब है कि दूसरा शहर में देवघर में क्या हुआ, धनबाद में क्या हुआ। सेम चीज किताब है, किताब आप इसमें मुद्दा खरीदें, सारा चीज आपका काम का नहीं है। तो आपके काम का है कि नहीं है ये आप कैसे समझिएगा, जब आप जान पाएंगे। और इसके लिए जरूरत किसका पड़ेगा, डॉक्टर का। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं अपने से भी तो आप जाके खा सकते हैं कि सुनिए भैया 40 तो पैरासीटामोल दे दीजिए, एक साथ पानी में डाल के पूरा पैरासीटामोल खा, माथा दर्द रहा एक साथ इतना डिस्प्रिन खा ली। तो आप डॉक्टर से कंपोजिशन पूछते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा, वही पैरासीटामोल वो टाइफाइड में भी दे रहा है, मलेरिया में भी दे रहा है, डेंगू बुखार में भी दे रहा है, सर्दी खांसी बुखार में भी दे रहा है, लेकिन उसका कंपोजिशन एंटीबायोटिक के साथ सेट कर रहा है और सब में वही चीज है और उसी का ऑफिस ले ले रहा है। अगर आपको एजुकेशन में अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, तो आपको बता दें कि इतने पढ़िए, इसी को बार बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आपका क्या है उसमें फायदा हो जाएगा, टाइम बचा, जिसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या हो, कि पूरा क्रीम व्रीम लगा के स्मार्ट बन के पढ़ना, कम समय में जरूरत की चीज को तुरंत अडॉप्ट करें। आप कितना भी किताबें देखिएगा, कोई कोई स्टूडेंट 10-10 साल से पढ़ता होगा आप ही के मोहल्ला में, वो आज तक परीक्षा पास नहीं किया होगा, जब वो निकलता होगा तो पीठ पीछे सबको उसको गाली देता होगा, वो किसी को कुछ बोलता भी होगा ना, सब बोलता है इसका बात मत सुनो पागल हो गया, वो बेचारा बहुत पढ़ा डायरेक्शन सही नहीं रहा। और कोई कोई आदमी को आप देखते होंगे कि ये कुछ नहीं जानता था, अचानक 4 महीना कहीं रहा, उसको ट्रैक पकड़ा गया, उधर से नौकरी कर लिया, अब जिसका नौकरी लग जाता है उसकी बात सब सुनते हैं। अब सब कोई बोलेगा कि उससे पूछ लो, उसका नौकरी लगा हुआ बैंक में पीओ है, रेलवे में ऑफिसर है, वो सही बता, अब वो गलत नहीं बताएगा ना, तो आपको सुनना है उसका। अगर वो बोल रहा तो बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब स्पीच करने के लिए विदेश गए तो इंट्रोडक्शन देते ना लोग, आई एम फल्ला, उन्होंने बोला आई इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोलने वाला कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आई के साथ इज कोई लगाता है क्या, तो जो ग्रामर के उस समय में विद्वान थे रेंडल मार्टिन बोलो, उन्होंने बोला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई के साथ इज बोला है, इसका मतलब कुछ बात और उन्होंने क्या किया कि ग्रामर किताब में ये सुधार किया और लिखा कि जब व्यक्ति ऐसे पद पर हो कि जिसके जैसा कोई नहीं हो तो वह आई के साथ इज बोल सके। जब आप कुछ हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ब्रिटिश एग्जामिनर ने लिख दिया था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ब्रिटिश काल में उनकी जब इंग्लिश की कॉपी चेक हो रही थी तो उनको जब नंबर आ रहा था तो नंबर काटना था तो आई के ऊपर वो पॉइंट छोड़ दिए थे, तो उनको एक नंबर काट दिया इसी में और उनको 99 नंबर दिया था, लेकिन उसने लिखा कि ये जो परीक्षार्थी है ये परीक्षक से भी ज्यादा तेज है। तो ऐसा जब आप कुछ है, जब आप ऑफिसर हैं और आप यहाँ खड़ा होकर के बोलिएगा कि तुम लोगों को क्वालिफाई करने के लिए
कॉमिक्स पढ़ना चाहिए, चंपक पढ़ना चाहिए, गठपोट पढ़ना चाहिए। आप ये एसपी साहब बोल रहे हैं कुछ बात को है, तो देखिए कोई यहाँ आके बोल रहा है तो आप बोलिए ठीक है बोल रहा होगा। और अगर कोई आदमी जो कुछ जीवन में नहीं करता, बहुत मेहनत किया बेचारा, बहुत मेहनत किया, नौकरी नहीं लगा उसे, और वो कहीं मोहल्ला में बोल रहा है कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ना चाहिए, एक नोट्स बनाना चाहिए, तो आप क्या उसको एक अच्छा चीज बोला ना? आप क्या बोलेगा? आपने तो जिंदगी में कुछ किया नहीं। क्योंकि वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया इसलिए आप उसकी बात नहीं सुन। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए सीमित सिलेबस, सीमित चीजों को जानना है तो निश्चित रूप से आप पास हैं। ये इसमें से कुछ किसी को पूछना है तो आप बताइए। इतना में से कोई एग्जाम को लेकर के कोई चाहते हैं कुछ पूछना तो बोलिए। सर जो सिलेबस होंगे सर उस पर भी कुछ शॉर्ट लिस्ट में होगा होगा